गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कोवलेंट बॉन्डिंग एंड रिलेटेड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड हमने आपको एक्सप्लेन किया था सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सो टुडे आई एम डिस्कस्ड अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट है आपका। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन पढ़ने के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन वाले जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर बेस्ड बहुत से लॉन्ग क्वेश्चंस कवर होते हैं वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके सो ये एक टाइप की थ्योरी है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस टाइप की बॉन्डिंग होती क्या है। सिर्फ इसमें हम ये बता सकते हैं कि कौन किन बेसिस पर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। ओके सो दिस थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द हिटलर इन लंदन इन 1927 टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो मैंने क्या कहा, ये कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हिटलर लंदन के द्वारा दी गई थ्योरी है जो 1927 में दी गई थी। और कोवलेंट बॉन्ड क्या था, कोवलेंट बॉन्ड मींस द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ओके तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। दे गिव द क्रिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन देयर। कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन तो हम कर चुके हैं लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के बाद मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी चेंज टेक प्लेस इन। तो जब कोवलेंट बॉन्डिंग होता है उसके बाद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से वेरिएशन आता है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या थी, दिस इज ए थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट। मैं आपको पहले ही बोला ये कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, ये थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आप एनर्जी को मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में किस तरह से वेरिएशन होता है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। लेटर इट इज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड सॉल्टर इन 1931 जो फाइनली इसको डिस्कस किया था लेटर आपका पॉलिंग एंड सॉल्टर ने 1931 में। अकाउंट द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कोवलेंट बॉन्ड। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस आपको जो मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स द कोवलेंट बॉन्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड एंड दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एसएस टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग, एसपी टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग एंड पीपी टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दैट शुड बी नोन एज द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यू नो दैट एस इज द स्फेरिकल इन शेप, एस का क्या होता है स्फेरिकल शेप होता है, सो इट नॉट शो द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, बट पी इज द स्फेरिकल, पी इज नॉट पी इज द डायरेक्शनल एंड एस इज नॉट ए डायरेक्शनल। सो पी आपका डायरेक्शनल होता है, इट शुड बी अरेंज इन द एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। हमारे कितने एक्सिस में रहता था आपका, x एक्सिस में, y एक्सिस में एंड z एक्सिस में अरेंज रहता था। सो इट्स ऑन द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया थ्योरेटिकल वे में किसके थ्रू, पॉलिंग के थ्रू इन 1931 में। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो एक्सप्लेन किया गया किसने करा, आपने पॉलिंग ने करा 1931 में। ओके सो द मेन पॉइंट ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज गिवन टू। तो इस थ्योरी का मेन पर्पस क्या था, मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको मैं नीचे डिस्कस कर रही हूं। ओके तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द एटम इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन मेंटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इवन आफ्टर द बॉन्ड फॉर्म दैट इज इन द मॉलिक्यूल्स। द एटम इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, यू नो दैट मैंने आपको जैसे बोला कि किसी भी एटम के कॉम्बिनेशन से हमारे क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे हमने लिया था फर्स्ट एग्जांपल लेती हूं, जैसे मैं हाइड्रोजन लेती हूं, तो हाइड्रोजन इज द गैस मॉलिक्यूल्स, यू नो दैट हाइड्रोजन इज द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके Cl2 इज द गैस मॉलिक्यूल्स, O2 इज द गैस मॉलिक्यूल्स, N2 इज द गैस मॉलिक्यूल्स। ये कैसे बने, बाय विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ये किसके थ्रू बने, विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके सो जब कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बने सो बॉन्ड फॉर्मेशन मेंटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड बनने के बाद ये H2 रहा, उससे पहले तक वो एटॉमिक फॉर्म में था। दैट मींस ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो गया आपका, 1 मतलब हो गया 1 या 1s1 कहेंगे आप। सेकंड हाइड्रोजन दैट शुड बी आल्सो 1 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1s1 एंड आफ्टर द कोवलेंट बॉन्डिंग दैट इज द s ऑर्बिटल एंड देन सेकंड वन इज द s ऑर्बिटल, बोथ आर कंबाइंड टुगेदर एंड टू कंबाइन आफ्टर द कॉम्बिनेशन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज नोन एज सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड करते थे, कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बना। सिग्मा क्यों कहा, फिर रिमाइंड करा रही हूं, क्योंकि दिस इज द एस ऑर्बिटल, दिस इज द एस ऑर्बिटल एंड एस एंड एल बोथ आर नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो इससे पहले तक इसकी अपनी आइडेंटिटी है कि हाइड्रोजन एटम है, दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम दैट शुड बी कन्वर्ट इन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ओके सो इससे पहले तक इसकी आइडेंटिटी क्या थी, ये हाइड्रोजन एटम थे और उसके बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखेंगे कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड।
ओके तो कहने का मतलब उनकी आइडेंटिटी अपनी क्या रहती है, मेंटेन रहती है. सेकंड द बॉन्ड इज फॉर्मड ड्यू टू द ओवरलैप. द बॉन्ड इज फॉर्मड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स बिलोंगिंग द वैलेंस शेल ऑफ द कंबाइनिंग. पहले इस पॉइंट को समझिए. द बॉन्ड इज फॉर्मड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. किसी भी बॉन्ड का निर्माण जो होता है, किसी भी बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड, ये मेन पॉइंट ये है, जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. फुली फिल्ड से नहीं होगा. फुली फिल्ड से मतलब क्या हुआ, हाफ फिल्ड से मतलब क्या है. फिर वही बात, आपको पूरी केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए स्टार्टिंग से आप बार बार बोल रही हूँ, आपको एस पी डी एफ ऑर्बिटल को आपको हमेशा अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा. एस ऑर्बिटल की मीन्स वन इलेक्ट्रॉन, देयर इज टू इलेक्ट्रॉन, देयर इज सिक्स इलेक्ट्रॉन, दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन. हाफ फिल्ड मीन्स 1, 3, 5 एंड 7. हाफ फिल्ड मीन्स ये होता है. इसके अलावा जो भी होगा, ये दिस इज द फुली फील्ड, दिस इज द हाफ फील्ड. इसके अलावा मींस एक्सेप्ट दिस वन, 2 से अगर वो 1 हो जाता इट्स ओके. 6 से अगर वो 4 हो जाता, 4 मींस हाफ नहीं होता, 4 मींस पार्शियली फील्ड. 4 का मींस हो गया पार्शियली फील्ड. 3 मींस हाफ फील्ड हो गया, 6 मींस फुली फील्ड हो गया. उसके इन बिटवीन जो आएंगे, जो आपके रिमेनिंग 6 एंड 3 जो होंगे, वो आपके पार्शियली फील्ड. सो द बॉन्ड इज फॉर्म. बॉन्ड का निर्माण तभी होता है जब ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में. हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में दैट मीन वो फुली पैक नहीं होना चाहिए, उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, उनका ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए. सिंपल सी बात है, वो फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब है उनका बाहर पोस्ट यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए. वो शेयरिंग करने के लिए उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है, मतलब क्या है आपका, हाफ एटम्स ऑन दीज अप्रोच ईच अदर, दैट द स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेट म्यूचुअली न्यूट्रलाइज, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इन द इनर शेल रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड. कहने का मतलब है जब उनमें शेयरिंग होती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में, तो एटम्स आर दीज अप्रोच ईच अदर, दैट द स्पिन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेट म्यूचुअली न्यूट्रलाइज. उनमें शेयरिंग होने का मतलब, कहने का मतलब क्या है, आपने शेयरिंग करी तो कैसे शेयरिंग करी, ये देखिए आपने ये ऑर्बिटल के बीच में शेयरिंग करी, ठीक है. ये मैंने हाइड्रोजन के एग्जाम्पल लिया है. मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया. अब हमने शेयरिंग करी, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में शेयरिंग हो गई, ठीक हो गया. उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गया आपका 1s1. अब बात आती है हाइड्रोजन को छोड़ के हम ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन हो गया O2, O2 हो गया 1s2, 2s2. ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, O2 लेके काम करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8. 1s2 2s2 2p4. ओके, 2p4 हो गया. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. तो जो शेयरिंग होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होगी, अंडर का जो ऑर्बिटल होगा डिस्टर्ब नहीं होगा. अंडर का ऑर्बिटल एक फुली पैक्ड है, 1s2 s में फुली पैक्ड है. कितने हैं बाहर वाले में, 4 और 2, 6. कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्या रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोई भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं. सो दैट मीन वी नीड एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन टू शेयरिंग ऑफ टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. सो द इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्बिटल इनर सेल रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड. अंदर वाली जो सेल होगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, अनडिस्टर्ब रहेगी, दोनों चीजें. लेकिन जो बॉन्डिंग करेगा वो क्या करेंगे, बाहर का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल करेंगे. तो अगर हम ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. सपोज हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का, तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6. दूसरा ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, शेयरिंग करी तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, 6 और 6 टोटल हो गया 6, और रिमेनिंग कितने रिक्वायरमेंट है, 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, 1, 2, 3, 4. ओके, इसकी 6 बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 तो है, 3, 4, 5, 6. सो काउंटिंग होगी तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 ये होगा 8. सेम वे ये 6 होगा, 2 ये होगा. तो दिस इज द शेडेड पोर्शन जो है आपका, दिस इज द व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, ये हमारा बॉन्ड हो गया कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड. हमारा बॉन्ड कौन सा बन गया आपका, कोवलेंट बॉन्ड. सो हमने जो इसमें पार्टिसिपेट करा, बाहर आउटर को पार्टिसिपेट करा, अंदर के ऑर्बिटल में कोई भी वेरिएशन नहीं आया. ओके, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, तो इसमें जो हमारी बॉन्डिंग हुई, सबसे पहले बात ये, इसको एक चीज बताओ कि हमारी जो बॉन्डिंग हुई इसमें क्या हुआ, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं करा. पेयर्ड का मतलब हो गया आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे. अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तब तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द कोवलेंट बॉन्डिंग. थर्ड है द फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल काउंटिंग 2 इलेक्ट्रॉन. फिर वही बात, फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपका
जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो आपको कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, ये कितने होगा, 2 होगा, ये होगा कितने, 2, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, द फिल्ड ऑर्बिटल काउंटिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, हाउएवर इफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी अनपेयर्ड विदाउट मच एनर्जी, दे कैन फर्स्ट अनपेयर बाय प्रमोटिंग टू द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी एंड दे कैन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। क्या कह रहा है, द फिल्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर क्या होते अपने को स्टेबल करने के लिए हमेशा वो कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2, वैलेंस शेल डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को अगर वो कंप्लीट रखा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल्ड होंगे। बट अगर वो सपोज अनपेयर्ड है, सपोज अनपेयर्ड का मतलब हो गया है 2p4, मान लीजिए हमने कोई ऑर्बिटल ले लिया 2p4, बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो 2p4 का मतलब हो गया 1, 2, 3 and 4, तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, बट दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन बोथ टेक पार्ट इन द कोवलेंट बॉन्डिंग। सो हाउएवर इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी अनपेयर्ड, ये पॉइंट को ध्यान देना, हाउएवर इफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी अनपेयर्ड, इतना पोर्शन तो क्लियर हो गया कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद कह रहा है, हाउएवर इफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी अनपेयर्ड विदाउट मच यूजिंग एनर्जी, अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्या कहा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कन्वर्ट कैसे होता है, ये पॉइंट ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे इसके बाद ही आप हाइब्रिडाइजेशन वाले फॉर्मेट को क्लियर कर पाएंगे। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में कैसे होता है चेंज, हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर होता है सेम एनर्जी सेल से हो सकता है, सेम एनर्जी सेल का मतलब होगा अगर 2 वाली सेल्स है तो 2 से 1s2, 2s2, 2p6, s से p में जा सकता है, 2p, 2s से 2p में, ठीक है, अगर 3d है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, तो 3 से 3s, 3p, 3d, ये तीनों एनर्जी सेल क्या होगी, सेम होगी, थर्ड, तो 3p से 3d में जा सकता है, तो ये अगर 2p है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है, ठीक, सपोज ये अगर 3p होता, सपोज ये 3p होता तो 3p से नेक्स्ट हायर सेल जो होती, 3p से नेक्स्ट हायर सेल सब क्या होती, 3d होती, तो ये इलेक्ट्रॉन 3p से नेक्स्ट हायर सेल दैट मींस 3d में मूव कर सकता है, ठीक है, 3d में मूव कर गया, ये यहां से यहां मूव कर गया, 3p से 3d मूव कर गया, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड द ऑर्बिटल स्लाइटली हायर एनर्जी एंड दे कैन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, क्या स्लैटली हायर एनर्जी, स्लैटली हायर एनर्जी में एस पी डी, एस ग्राउंड सेल हो गई, फिर पी हो गई, फिर डी हो गई, तो उनका जो बेसिक सेल है 3 है, 3s, 3p, 3d, 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया, ठीक है, अब अगर हमने एग्जांपल लिया 3p4, अगर वो 3p4 से जंप करेगा तो कहां मूव करेगा, 3d में करेगा, और p4 को सिंगल करने के लिए, सिंगल मतलब सबको सिंगल करने के लिए, ये पेयर्ड है तो हमने इसको स्लैटली एक हायर एनर्जी में मूव कर दिया, तो अगर वो स्लाइटली हायर एनर्जी रिमूव कर गया तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 3p4 से कितना हो गया, 3 रह गया, 1, 2, 3, और एक इलेक्ट्रॉन डी में जा चुका है, ये डी में चले गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4, दीज 4 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, ये चार के चार इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये चार के चार इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, NCl3 कैन फॉर्म, नाइट्रोजन कैन फॉर्म NCl3 only retaining a lone pair of electrons, while phosphorus can form both PCl3 and PCl5. अब इस चीज को आप यहाँ पर explain कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला, क्या मैंने बोला, nitrogen NCl3 बनाता है, nitrogen atom number 7, 1s2, 2s2, 2p3. So now we represent in a ground state, that should be what, you get 2s, okay? And this is what? 2p. So number of electron 1, 2, 3. इसमें कितने हैं 3? And there is 1. कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम उसकी बॉन्डिंग करते हैं किसके साथ? नाइट्रोजन कैन फॉर्म NCl3, 3 क्लोरीन के साथ. तो बॉन्डिंग करने का मतलब क्या कहा मैंने? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. So this is not take part in the bonding. लेकिन पार्टिसिपेट कब कर सकता है? When it jump to the next
slightly higher energy level. But it cannot be jumped to the slightly higher energy level. Why? Because you know that 1s2, 2s2, 2pcn, 2d orbital is not possible according to the Auer principle. 2s होता है, 2p होता है, 2d नहीं होता है. किसके अनुसार? Auer के principle के अनुसार. Auer कहता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, so on. But 2d orbital is not possible, so it's not possible to produce NCl5 because the d orbital is absent in the case of nitrogen. So it cannot be promoted to the high energy level. So we have only this electron, this electron, this electron for the bonding purpose. हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास 2d ऑर्बिटल नहीं है. तो वी हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग एंड वी हैव ओनली 3 Cr. सो दिस वन इज द फर्स्ट Cr, दिस वन इज द सेकंड Cr, दिस वन इज द थर्ड Cr. 3 Cr आर बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन एंड प्रोड्यूस NCl3. बट हमने कहा रिटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बच जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल कई बुक्स में इसको रिप्रेजेंट किया गया है LPS. LPS इज द सिंबल ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज LPS मींस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ PCl5. अगर हम PCl5 का एग्जांपल लेते हैं तो सेम वे P आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ठीक है, हम 3s2 3p3 को एक्सप्लेन करते हैं. अगर हम ये 3s और ये 3p3, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है. ठीक, बट PCl5 लिगेंड इज प्रेजेंट, सो दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव टू द हाई एनर्जी सेल्स. एट दिस टाइम द हाई एनर्जी सेल इज दिस इज 3p3, दिस इज 3s 3p, एंड देन नाउ थर्ड इज द 3s 3d. तो हम कौन सा ऑर्बिटल ले सकते हैं? 3d ऑर्बिटल को इंक्लूड कर सकते हैं. क्यों इंक्लूड कर सकते हैं हम 3d ऑर्बिटल को? क्योंकि मैंने बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है द ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू गॉट द सेम बट हाई एनर्जी सेल. तो हम हमारे पास पता है 1s के पास d ऑर्बिटल, 1s के पास 1p नहीं होता, तो 1s डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. एंड सेम वे 2s के पास 2p होता है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. एंड सेम वे 3d के पास 3s के पास 3d ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन शुड बी मूव टू द हाई एनर्जी सेल एंड d ऑर्बिटल. तो एट दिस टाइम ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, दिस इलेक्ट्रॉन मूव टू द हाई एनर्जी सेल. इलेक्ट्रॉन ये हाई एनर्जी सेल में मूव कर जाएगा, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी सेल मूव कर जाने से हमारे पास ये तो एज इट इज रहेगा जैसे ये है. और 3d में जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये हो गया आपका d. सो दैट मींस PCl5, एक Cl यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो 5 लिगेंड PCl5 में अरेंज करके अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये कहने का होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रोमोटेड टू द ऑर्बिटल स्लाइटली हाई एनर्जी सेल. अनपेयर इलेक्ट्रॉन स्लाइटली हाई एनर्जी सेल में मूव करेगा, और उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या पी सेल का है. अब ये होता कैसे है इसको डीप में एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको रूल समझा रहे हैं. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट रूल, द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द बॉन्ड अंडरगोज एक्सचेंज बिटवीन द एटम एंड दस स्टेबलाइज द बॉन्ड. जो आपका वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द बॉन्ड अंडरगोज एक्सचेंज बिटवीन, कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक्सचेंज बिटवीन द एटम एंड द स्टेबलाइज द बॉन्ड, उनमें एटम्स का एक्सचेंज होता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? स्टेबल बॉन्ड का निर्माण होता है. नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच द टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन स्पेस. किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, किसी भी हमारे कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? विच द टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन स्पेस. जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे किसी भी स्पेस में, स्पेस का मतलब इन्हें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आप एस कैरेक्टर को छोड़ के अगर आप देखेंगे पी डी एंड एफ सभी सबके क्या होते हैं? डायरेक्शन में होते हैं. सो दे बिकम ओवरलैप. जब वो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने का मतलब होगा शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी कि उनमें कोवलेंट बॉन्ड होगी, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी डिपेंड करेगी किस पर? कोवलेंट बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगी. इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं द कोवलेंट बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड. बट किसी भी थ्योरी के करने के लिए कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, उन्हीं लिमिटेशन को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे. तो लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आल्सो नोन डायटी बॉन्ड नॉट टू बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ हाफ एंड ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम एंड द पेयर ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम डू नॉट टेक पार्ट इन द नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. कहने का मतलब है कि ये थ्योरी क्या कहती है, किसी भी बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली बात उनमें शेयरिंग होना जरूरी है, और शेयरिंग होने के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड को प्रोड्यूस नहीं करते, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही
अनपेयर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यही मैं बोल रही हूँ, पेयर ऑर्बिटल्स ऑफ एटम डू नॉट टेक पार्ट इन द नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। पेयर का मतलब अगर वो साझे में है किसी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड लिमिटेशन, द ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम इस थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया जिन इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करा है, उन बॉन्ड के बारे में हम इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिकॉज ए कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स द टू इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर ए बॉन्ड। क्योंकि इसका मतलब है किसी भी बॉन्ड के निर्माण के लिए कोवलेंट बॉन्ड का होना जरूरी है, और जिसमें दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। दो इलेक्ट्रॉन जब साझा करेंगे तभी कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा, और ऑड इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। थर्ड लिमिटेशन क्या कहती है, दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ऑक्सीजन वैसे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन में साझा करने के बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, तो इसका बिहेवियर डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को, बिकॉज द प्रॉपर्टी कॉज द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में साझा होता है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है, तो इसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट एक्चुअल में ऑक्सीजन शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सो दिस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द बीबीटी थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बीबीटी टू इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑक्सीजन एटम हैज इट शुड बी डायमैग्नेटिक। मैं क्या कह रही हूँ आपको, अगर ऑक्सीजन को लेकर चलेंगे, ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। युग्मित हो जाने के कारण उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट एक्चुअल में द बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी पैरामैग्नेटिक। हम इस लेकिन उस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को हम इस थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फोर्थ लिमिटेशन क्या है इसकी, इन सम मॉलिक्यूल्स द प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द अज्यूमिंग सिंपल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द एटम। कई मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एंगल होता है, हम सिर्फ इस थ्योरी में ये बताते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल का, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल का, एक इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में साझा हो रहा है, साझा हो जाने से कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। बट ये नहीं बता पाएंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो इस थ्योरी को हम इस थ्योरी के बेसिस पर प्रॉपरली हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो दैट मीन्स ये थ्योरी हमारे ये नहीं बता सकती कि उसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो इस कहने का मतलब है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशन भी हम ओवर करते हुए नेक्स्ट थ्योरी आपकी आती है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, जो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल थी। तो नेक्स्ट आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।